गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम आज आपको अपने चैप्टर दो में बात करते हैं क्लॉज के बारे में। मैं आपको यहाँ क्लॉज के स्ट्रक्चरल बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा और आपको प्रारंभिक ज्ञान दूंगा जो अभी कभी आप भूल नहीं पाएंगे। आइए चलते हैं। आइए बात करते हैं हम क्लॉज पे। क्लॉज उपवाक्य, जिसका हिंदी मीनिंग है उपवाक्य। क्लॉज होता क्या है, उसके हिंदी में हम लोग उपवाक कहते हैं या कोई उपवाक खंड होता है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। क्लॉज शब्दों के उस समूह को कहते हैं जो किसी वाक्य का अंश हो या जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो। क्या है? एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब इक्वल टू क्लॉज। दैट मीन्स किसी भी क्लास में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो उसे हम क्लॉज कहते हैं। इन सेंस यानी उपवाक्य। हम इसको कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। एग्जांपल, आई शाउटेड एंड ही रैन अप। हिंदी में देखिए, मैं चिल्लाया और वह भाग गया। मैं चिल्लाया और वह भाग गया। इस वाक्य में आई शाउटेड एक क्लॉज है, ही रैन अप एक क्लॉज है, जिसको एंड से, दो क्लॉज को एंड से जोड़ा गया है। अब देखिए, आई कॉल्ड हर बट सी गेव नो आंसर। मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। आई कॉल्ड हर बट सी गेव नो आंसर। अब आगे वाक्य में देखिए, गोपाल गोज टू मार्केट। गोपाल बाजार जाता है। इस वाक्य में एक ही क्लॉज है, इसे किसी से जोड़ा नहीं गया है। इस वाक्य में दो क्लॉज हैं, इसमें इसे कंजक्शन का प्रयोग करके बट और एंड से जोड़ा गया है। ठीक, यानी जो इसमें एक अपना सब्जेक्ट हो, एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, या नॉन फाइनाइट नहीं, केवल फाइनाइट वर्ब के हिस्से क्लॉज कहते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट रिलेटेड आपको जो याद करने की ज़रूरत है, प्रत्येक सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाले हिस्से को क्लॉज या उपवाक कहते हैं। एंड और बट से दो क्लॉज को जोड़ा गया है। जैसा कि मैंने बताया, एंड और बट से दो क्लॉज को जोड़ा गया है, पहला एंड और दूसरा बट। आइए हम बात करते हैं क्लॉज के प्रकार, काइंड्स ऑफ क्लॉज। क्योंकि अब आप जान ही चुके हैं क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब वाले इसे क्लॉज कहते हैं। अब क्लॉज के आगे हम पढ़ेंगे क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज जैसा कि हम देख रहे हैं, ये मुख्य तीन प्रकार के होते हैं, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज मूलतः तीन प्रकार के होते हैं, मेन क्लॉज जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज का भी कहते हैं, जिसके हिंदी में मुख्य उपवाक्य कहा जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज दूसरा है, इसे गौण उपवाक्य कहा जाता है, इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तीसरा, कोऑर्डिनेट क्लॉज, समन्वय उपवाक्य। ठीक, जैसा कि हमने देखा, क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार में मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये तीन प्रकार ही इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जिसको आगे मैं डिटेल से आपको बात करूंगा। आगे आप देखिए, अब आते हैं मेन क्लॉज पे बात करते हैं। मेन क्लॉज क्या होता है? मेन क्लॉज की अगर डिफिनेशन बात करें, परिभाषा बात करें, तो जो क्लॉज स्वतः पूर्ण अर्थ रखता है और किसी अन्य क्लॉज पर आश्रित नहीं होता, उसे मेन क्लॉज कहते हैं। यानी जो क्लॉज अपने आप ही अर्थ दे दे, अपने आप ही पूर्ण मीनिंग दे दे, वह क्लॉज हमेशा मेन क्लॉज होता है। और उस क्लॉज को किसी कंजक्शन के माध्यम से ना जोड़ा गया हो, यानी डिपेंडेंट हो, किसी पर आश्रित ना, इंडिपेंडेंट हो और किसी पर आश्रित ना हो। एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, दिस इज द मोबाइल विच आई लाइक। यह मोबाइल है जिसे मैं पसंद करता हूँ। मंडे इज द डे व्हेन आई एम बिजी। मंडे वह दिन है जब मैं बिजी रहता हूँ। इज ए मैन बट इज माइजरली। वह एक आदमी है बट वह कंजूस है। अब देखिए, पहले वाक्य में दिस इज द मोबाइल, यह जो आपका है मेन क्लॉज है, जो दूसरे वाक्य पर डिपेंडेंट नहीं, स्वतः मूल अर्थ दे दे रहा है। दूसरे वाक्य में मंडे इज द डे मेन क्लॉज है, किसी दूसरे डिपेंडेंट नहीं है। तीसरे वाक्य में ही इज द रिच वह धनी आदमी, बस अपने आप में अर्थ दे दे रहा है। इसका मतलब यह मेन क्लॉज है, किसी कंजक्शन के द्वारा इसको जोड़ा नहीं, अपने आप के दूसरे प्रश्न में अपने आप अर्थ दे देता है। अब आगे देखते हैं, आइए दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज पे हम बात करते हैं, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसकी परिभाषा देखते हैं, जो क्लॉज अपने अर्थ के लिए मेन क्लॉज या अन्य क्लॉज पर आश्रित हो। जो क्लॉज अपने अर्थ के लिए मेन क्लॉज और अन्य क्लॉज पर आश्रित हो, उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। यानी अपने पूर्ण अर्थ के लिए दूसरे सेंटेंस या दूसरे क्लॉज पर आश्रित होता है। अब देखिए,
एग्जाम्पल, आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट, मुझे यह करना है क्योंकि मुझे यह पसंद है। यह अपने अर्थ के लिए मेन क्लॉज पे आश्रित है, यानी बिकॉज आई लाइक इट। आई होप्ड दैट इट वॉज ट्रू, आई होप दैट इट वॉज ट्रू, मुझे आशा थी कि यह सच था, यानी दैट इट वॉज ट्रू आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट टॉक वाइल सी इज सिंगिंग, जब वो गा रही है तो बात ना करें। इसमें वाइल सी इज सिंगिंग सबॉर्डिनेट क्लॉज, आप ध्यान से देखेंगे इसमें बिकॉज दैट वाइल, इसमें कुछ ना कुछ कंजेशन का प्रयोग करके दो क्लाजों को जोड़ा गया है। यानी पहले क्लाज की बात अगर करना छोड़ दें तो पहला मेन क्लॉज है जो इसके जिसके बिना अपना अर्थ नहीं दे सकता, इसीलिए इस सबॉर्डिनेट क्लॉज का एक नियम भी बना लीजिए, सबॉर्डिनेट क्लॉज हमेशा सबॉर्डिनेट कंजक्शन से अपने जुड़े रहते हैं। देखिए अब देखिए, निम्नलिखित कंजक्शन से शुरू होने वाले क्लॉज को सबॉर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ये जितने भी कंजक्शन जैसे इससे वाक्य कोई शुरू होता है तो कंजक्शन क्लॉज होता है। आइए देखते हैं कौन कौन है, बिकॉज दैट व्हाइल एज सिंस बिफोर टिल आफ्टर व्हेन इफ व्हिच वेयर व्हाई एज सून एज मच एज इफ अनलेस ऑल्दो दो इटीसी इत्यादि। इसके अलावा इन सब कंजक्शन से अगर दो वाक्यों को जोड़ा गया है, दो क्लाज को जोड़ा गया है, तो जो इस वाक्य से शुरू होने वाला क्लाज होता है वो हमेशा सबॉर्डिनेट क्लाज होगा। आइए हम तीसरी क्लॉज की तरफ चलते हैं जो हमारा है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए क्लॉज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। एक क्लॉज एक ही रैंक या ऑर्डर के होते हैं, एक ही रैंक ऑर्डर का मतलब है समान महत्व के होते हैं, एक ही बिरादरी के होते हैं, एक ही लेवल के होते हैं। ठीक, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए क्लॉज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते कौन कौन है, एट बट और स्टिल एट एज वेल एज बोथ एंड आइदर और नाइदर नॉर अदर अदरवाइज इल्स नॉट ओनली बट आल्सो नेवरथलेस इटीसी इत्यादि। इतने इंपॉर्टेंट हमारे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होते हैं जो किसी दो सेंटेंस या दो क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। अब एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए पहला, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, भगवान ने देश बनाया और मनुष्य ने शहर। इन दो वाक्यों को दो क्लाजों को एंड के थ्रू जोड़ा गया है। जब आपको पता है कि एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है तो एंड से जुड़े रहने वाला वाक्य आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाता है। नेक्स्ट, ही इज रिच बट ही इज माइजरली, इसे भी बट से जोड़ा गया है, बट से जोड़ना गया है तो ये वाक्य आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगा, जिसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से हम जोड़ा गया है। वह अमीर है लेकिन वह कंजूस है। देखिए इस चैप्टर में जैसे कि हमने क्लॉज के बारे में बताया, क्लॉज के प्रकार के बताया, विभिन्न बार क्लॉजों की डिटेल स्टडी की, इसके बाद हम लोग सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के स्ट्रक्चर और बेटिक बनावट पर ध्यान देंगे। इसीलिए आगे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आगे के महत्वपूर्ण लेसनों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर आपको कोई सब्जेक्ट या किसी टॉपिक पर लेसन चाहता है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।